सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार। कल अपन ने पढ़ा था संधि, संधि का सामान्य परिचय पढ़ा था, संधि के प्रकार पढ़े थे, उन प्रकारों में भी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें स्वर संधि के भेद पढ़े थे। स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। उन 8 भेदों में क्रमशः यण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि और प्रकृति भाव संधि, इन भेदों के नाम देखे थे। आज क्रमशः इनका विस्तृत अध्ययन करते हैं। इनका विस्तृत अध्ययन करने से पहले थोड़े नियमों पर चलते हैं और नियमों को देखते हैं, जिसमें पहला नियम यह है कि संधि, पहले भी बताया गया था कि संधि दो पदों के बीच में होती है, संधि दो वर्णों के बीच में होती है। अब ये दो वर्ण कौन कौन से हैं ये देखो। पहला वर्ण है प्रथम पद का अंतिम वर्ण, पहला कौन सा है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण। और दूसरा है अंतिम पद का प्रथम वर्ण, अंतिम पद का प्रथम वर्ण। और देखो जैसे मधु प्लस अरि, यहां पर ये दो पद दिए गए हैं, मधु प्लस अरि। इसमें जो ये वाला पद है मधु, ये होता है प्रथम पद, उसके बाद में अरि, ये होता है अंतिम पद। यहां पर दो ही पद है, तो पहले वाला वर्ण, अब संधि करनी है, संधि कहां पर होगी ये देखते हैं। मधु, इस मधु शब्द में अंतिम वर्ण देखते हैं, अंतिम वर्ण। अब अंतिम वर्ण कौन सा है, इसका पद विच्छेद करने के बाद में पता चलता है कि म ध, इस ध में क्या मिला हुआ है, उ, तो ये क्या है इसका अंतिम पद। और अंतिम पद में प्रथम वर्ण पता चल ही जाता है, साफ दिखता है इसका प्रथम पद क्या है, अ। तो जो ये उ है और अ है, इन दोनों के परस्पर विकार उत्पन्न होने से ही संधि बनती है, यानी इस उ को और इस अ को मिलाकर के लिखना है। जैसे ये दोनों मिलकर के बनेंगे व, क्या बनेंगे व, उ का क्या बन जाएगा व। इसी को ही संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब वो दो वर्ण कौन कौन से हैं, पहला है प्रथम पद का अंतिम वर्ण, दूसरा है अंतिम पद का प्रथम वर्ण, यानी मधु का उ और अरि का अ, ये दोनों दो वर्ण है। इसके बाद में दो वर्णों को जानने के बाद में एक और नियम देखते हैं, जिस एक है आदेश और है एक है एकादेश, एक आदेश और एक एकादेश। अब आदेश किसे कहेंगे और एकादेश किसे कहेंगे, दोनों सेम ही है, दोनों आगमी है, दोनों क्या है आगम। आगम के बारे में समझते हैं। पहले आगम वो शब्द होता है
जो किसी दूसरे वर्ण के स्थान पर आता है। इसकी प्रवृत्ति शत्रुवत होती है, आगमः शत्रुवतः। आगम की प्रकृति कैसी होती है? शत्रु, यानी उस जिस वर्ण के स्थान पर कोई दूसरा वर्ण आ रहा है तो जो पहले वाला वर्ण है उसे वहां से हटना होता है और उसकी जगह दूसरा वर्ण लिखा जाता है। तो ये दोनों आगमी है, लेकिन आदेश, आदेश के बारे में देखते हैं। आदेश, अब ये दो वर्ण है, जैसे ई प्लस और इन दोनों के बीच में संधि हो रही है, अब ये दो वर्ण है। तो इन दो वर्णों में अगर एक वर्ण के स्थान पर एक वर्ण ही आ रहा है, या तो आगे आए या पीछे आए, या तो आगे या पीछे एक ही वर्ण के स्थान पर अगर एक वर्ण ही आता है तो वो आदेश कहलाता है। जैसे यहाँ पर ई के स्थान पर मात्र यह आएगा, ना कि इन दोनों के स्थान पर। ई के स्थान पर एक वर्ण यह आ रहा है तो फिर जो ये यह वाला पद है, जो यह वाला वर्ण है, यह क्या कहलाएगा? आदेश। इसके बाद में देखते हैं एकादेश। एकादेश कहते हैं कि जैसे इसमें तो ई के स्थान पर यह आता है, और एकादेश में क्या होता है कि दोनों वर्णों के स्थान पर कोई एक वर्ण बनता है, उसे एकादेश कहते हैं। जैसे अ प्लस ई, ये तो अपने यण संधि का उदाहरण है और ये अपने गुण संधि का उदाहरण है। अ प्लस और ई, अ प्लस ई, तो अब इन दोनों के स्थान पर एक वर्ण बनेगा, वो है ए। अब ये दोनों वर्णों के स्थान पर एक वर्ण बना है तो इसे क्या कहेंगे? एकादेश। तो बीच बीच परिभाषाओं में एकादेश और आदेश दिखाया जाएगा, इसी उद्देश्य को देखते हुए आपको ये समझाया गया है आदेश किसे कहते हैं और एकादेश किसे कहते हैं। आदेश और एकादेश को समझने के बाद में अपन एक और टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि संधि किन शब्दों के बीच में होती है। संधि हमेशा दो सार्थक शब्दों के बीच में होती है, दो सार्थक पद होते हैं उनके बीच में एक संधि होती है। जैसे सार्थक शब्द है विश्व प्लस एक के, विश्व प्लस एक के, ये दोनों सार्थक पद है। तो यहां पर निकटतम स्वर है, निकटतम स्वर यानी इसका भी अंतिम और इसका पूर्ण, यानी जो निकटतम स्वर होते हैं उनके या निकटतम व्यंजन होते हैं उनके मध्य संधि होती है। यहाँ पर देखो विश्व शब्द में अंतिम वर्ण व, अब व में भी क्या मिला हुआ है? अगर व को तोड़ करके लिखते हैं तो व में भी व हलंत और स्वर मिला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अ है और पीछे क्या है? ए। अब ये निकटतम व्यंजन या स्वर है, यहां पर तो दोनों ही स्वर है तो ये निकटतम स्वर है। अब इन दोनों के बीच में या परस्पर संधि होगी, तो यहां पर संधि बन हो करके शब्द बनता है विश्वेक्य। क्या बनेगा? विश्वेक्य बनता है। तो ये तो है संधि। अगर विकार उत्पन्न हो करके कोई नया शब्द बन रहा है, जैसे इन दोनों के बीच में विकार उत्पन्न हो करके एक नया व्यंजन, एक नया स्वर बन रहा है ए, तो ये संधि है। अगर जहां पर विकार ना हो और जैसा का जैसा ही लिखा जाता हो तो फिर वहां पर संधि ना हो करके एक शब्द होता है संयोग, वो होता है। जैसे विश्व
प्लस जन, विश्व प्लस जन, इसको मिलाकर के लिखने पर विश्व जन लिखा जाता है। तो यहां पर कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा, कोई नया शब्द नहीं बन रहा, तो यहां पर यह संयोग है ना कि संधि, इसे क्या बोलेंगे, सिर्फ संयोग ना कि संधि। दो वर्णों को जानने के बाद में तथा एकादेश और आदेश को जानने के बाद में अपन अब क्रमशः प्रत्येक संधि के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो पहली संधि है दीर्घ संधि, स्वर संधि का भेद है ये, तो हेडिंग डालिए स्वर संधि। परिभाषा अपन ने पूर्व में निकी ली थी जब वेद बताए थे स्वर संधि। स्वर संधि अपन ने पिछली वीडियो में देखा था कि स्वर कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। 19 स्वरों के बीच में परस्पर मेल से कोई नया स्वर उत्पन्न होता है, तो उसे देखते हैं अब स्वर संधि। स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि समझने से पहले ये देखते हैं दीर्घ। दीर्घ यानी होता है बड़ा, यानी वृद्ध, बड़ा रूप। अब देखो दीर्घ शब्द का अर्थ पता चल गया कि भाई बड़ा रूप, तो इसकी परिभाषा देखते हैं पहले दीर्घ संधि की परिभाषा। दीर्घ संधि की परिभाषा बोल लिखते हैं परिभाषा में देखो, यदि अ आ ई ई उ री री ओल री के बाद समान स्वर आने पर एक दीर्घ एकादेश हो जाता है। एकादेश का मतलब अपन ने थोड़ी देर पहले समझा ही था, एकादेश किसे कहते हैं, यानी दोनों वर्णों के स्थान पर एक वर्ण आएगा। अब यहां पर एक टेबल बना करके देखते हैं और समझते हैं। अगर अ या आ रहा हो और उसके पीछे भी समान स्वर, यहां पर समान स्वर है तो इसी का ही समान स्वर, इसी का ही समान स्वर अ या आई होगा, तो इन दोनों के स्थान पर एक एकादेश हो जाएगा और वो एकादेश होगा आ। दीर्घ एकादेश भी कैसा, दीर्घ यानी अ और आ का बड़ा रूप, तो अ का बड़ा रूप आ और आ का बड़ा रूप आ ही होता है, तो अ और आ और पीछे भी समान स्वर में आना चाहिए अ और आ, तो इसका बड़ा रूप आ हो गया। इधर देखिए ई या ई, प्रथम पद अंतिम पद कौन सा होना चाहिए, ई या ई, इन दोनों में से एक आ जाए और पीछे भी इसी के समान कोई आ जाए, इसी के समान ई या ई आएगा, तो इसका भी दीर्घ एकादेश हो जाएगा और दीर्घ एकादेश बनेगा बड़ी। ऐसे ही उ और उ को देखिए, पीछे भी समान स्वर उ या उ, तो इसका भी दीर्घ एकादेश उ हो जाएगा। री या बड़ी री, और इधर भी री या बड़ी री, इन दोनों का भी दीर्घ एकादेश बड़ी री। तो यहां पर देखा अपन ने कि समान स्वर आना चाहिए, अगर अ ई उ और री इनके पीछे कोई समान स्वर आ जाए, इनके जैसे वर्ण आ जाए, तो फिर वहां पर दीर्घ एकादेश हो करके उसी क्रम में उनका बड़ा रूप लिखा जाएगा, आ ई उ और री, ये सब बड़े
हो जाएंगे। और इसके बाद में री प्लस री, इसका दीर्घ री होता है, बड़ी री होता है या छोटी री भी लिख सकते हैं। ये कैसे होता है, एक सूत्र आता है, उस सूत्र के माध्यम से री और री इन दोनों को समान स्वर में गिना जाता है। दोनों की एक ही संज्ञा होती है, दोनों एक जैसे ही है उच्चारण में भी री और री। देखिए इसमें भी री की मात्रा लगी हुई है, संस्कृत में री अलग से स्वर है लेकिन समानार्थी है, दोनों एक ही समान एक ही जैसे हैं। तो री का कोई बड़ा रूप नहीं होता, री सिर्फ ऋषु में ही आती है, ये एक ही वर्ण है सिर्फ जो कि ऋषु में है। तो अब इसका दीर्घ कैसे लिखा जाए, ये समस्या आने पर इन दोनों को एक ही समान एक ही जैसे एक ही उच्चारण के अनुसार बोला जाता है, तो इस री के स्थान पर री और री लिखा जाता है। अब सबसे पहले अ और आ का उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में है अपने पास देते प्लस अरि, देते प्लस अरि। अब देखिए यहां पर ये प्रथम पद है और ये अंतिम पद है। अब अपन ने पहले पढ़ा था कि दो वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो दो वर्णों में प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण। तो यहां पर देखते हैं देते में अंतिम वर्ण कौन सा है, तो यहां पर अंतिम वर्ण दिख रहा है अपन को य, और य अगर य का भी पदच्छेद करते हैं पद विश्लेषण करते हैं तो यहां पर य का भी अपन बात कर सकते हैं, इसे यह भी दो वर्णों से मिलकर के बना हुआ है य और अ से। देखिए अब इसके बाद में यह तो अब सेकंड लास्ट हो गया और ये अंतिम है, ये लास्ट वाला है, तो यहां पर ये अ है, तो यानी नियम के अनुसार आ रहा है प्रथम पद में अंतिम वर्ण में। इसके बाद में अंतिम पद का प्रथम वर्ण जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि अ, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है अ, वैसा का वैसा ही लिख लेते हैं। अब यहां पर देखिए संधि को पहचानने का यह है कि नियम में अपन ने देखा था कि अगर अ ई उ री ओल री अगर इनके बाद में समान स्वर है, इनके जैसे स्वर है, तो वहां पर दीर्घ एकादेश हो जाएगा। तो अ के बाद में समान स्वर है, अ के बाद में समान स्वर है, तो यहां पर इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा, दीर्घ एकादेश। एकादेश का मतलब दोनों वर्णों के स्थान पर, ना कि एक वर्ण के स्थान पर। अगर यहां पर आदेश आता तो आदेश आता तो या तो इसकी जगह या फिर इसकी जगह, दोनों में से किसी एक की जगह आता और एक वर्ण जैसा का जैसा ही रहता। लेकिन यहां पर परिभाषा में लिखा है अपन ने कि एकादेश होता है, तो यहां पर ये दोनों वर्णों की जगह एक दीर्घ एकादेश हो रहा है और इस अ और अ का दीर्घ होता है आ, जो कि नियम में देख ही रखा है अपन ने कि अ और अ का दीर्घ आ होता है। और बना करके देखते हैं अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के स्थान पर तो आ ही गया, तो अब बचे हुए वर्ण है ये देते, ये हलंत में है क्योंकि ये में से क्या निकल गया, अब अ निकल गया। जैसे ही किसी व्यंजन में से स्वर निकलता है तो वो अपने मूल स्वरूप जो कि हलंत प्रवर्तिका होता है उसमें आ जाता है। अब ये मूल स्वरूप में है ये, अगर इसे बोलने की इच्छा करे बोला जाए तो अब बोलने के लिए इसमें कुछ ना कुछ स्वर मिलाना पड़ेगा, तो यहां पर पहले बोलने की दृष्टि से अ मिला हुआ था लेकिन अ तो अपने इसमें मिली गया, एकादेश हो ही गया ओ अ और अ का, तो ये अपने मूल स्वरूप में आ गया। अब इसके बाद में ये अ नहीं है,
तो आ में बदल गया, तो अब यहां पर नया शब्द आ गया आ। अब बाद में देखते हैं कि अब इसकी जगह और इसकी जगह दोनों की जगह आ बना है, तो यहां से ये भी निकल गया, पीछे क्या बचा हुआ है मात्र री, क्या बचा हुआ है री बचा हुआ है। अब मिला करके देखते हैं, अब यह हमें आ मिलेगा तो पूरा हो जाएगा और आ की मात्रा लग जाएगी, देत्या और री जैसा का जैसा देत्यारी, तो संधि बनी इसकी देत्यारी। अब अ का उदाहरण देखने के बाद में एक उदाहरण ई का भी देख लेते हैं। ई के उदाहरण में देखिए, श्री प्लस ईसा, श्री प्लस ईसा, यहां पर देखिए श्री में अंतिम वर्ण दे रखा है वो है ई, वो भी कौन सी बड़ी, श्री में अंतिम वर्ण है ई। समझने का प्रयास कीजिए कि ये श्री है, ये दो वर्णों से मिलकर के बनी है, श्रम में क्या मिली हुई है ई, यही है इसका पद विश्लेषण, श्री में ई। तो श्र तो प्रथम पद हो गया और अंतिम पद क्या है ई, ठीक है ई आ गया। अब पीछे देखते हैं अंतिम पद का प्रथम वर्ण जो साफ दिखाई दे रहा है ये भी क्या है ई, तो यहां पर भी ई के बाद में समांस स्वर आने से दीर्घ संधि हो रही है और इसका एकादेश होगा। एकादेश कैसा होगा, दीर्घ एकादेश, यानी अब ई का और ई का इन दोनों का दीर्घ बनेगा, तो इन दोनों का दीर्घ यही होता है बड़ी, बड़ी बन गई। अब देखते हैं श्र में से ई तो निकल ही गई थी, ये श्र जैसा जैसा आ गया पीछे ई का, ये दोनों ई मिलकर के बड़ी ही बन रही है, तो ये भी यहां पर आ गई, तो पीछे क्या है सर, मिला करके लिखने पर श्री सह। एक उदाहरण उ का भी देखते हैं, विष्णु प्लस उदय, विष्णु प्लस उदय, यहां पर देखते हैं कि विष्णु शब्द, विष्णु प्रथम पद है, अब इसका अंतिम वर्ण देखते हैं तो उनमें उ मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है उ, तो अगर इसका पद विश्लेषण करते हैं तो ये ऋण में उ मिला हुआ है, तो ये अंतिम वर्ण हो गया उ। इसके बाद में इसका प्रथम वर्ण देखते हैं, तो प्रथम वर्ण क्या है उ, उ जैसा का जैसा आ गया। अब यहां पर देखते हैं उ के बाद में समान स्वर आ रहा है उई, समान स्वर आ गया। अब समान स्वर आने के बाद में इसका दीर्घ एकादेश होकर के ये बड़ा उ बन जाता है, दोनों के स्थान पर बड़ा उ बन गया। अब बड़ा उ बनते ही अपना पद बनेगा विष्णु, हमें से उ निकल ही गया था यहां पर, तो विष्णु आ गया हलंत में। अब इन दोनों के स्थान पर उ हो गया, तो ये बड़ा उ, पीछे ये उ यहां पर आ गया था, पीछे बचा दय, मिला करके लिखने पर विष्णु दे। एक उदाहरण लि का भी देख लेते हैं, लि प्लस लि। अब यहां पर देखिए ये तो प्रथम पद है और ये अंतिम पद, प्रथम पद में मात्र एक ही वर्ण दे रखा है, यह है ब्री, और अंतिम पद का प्रथम वर्ण देखते हैं ब्री, साफ दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों के स्थान पर अपने देखा था कि ली बन रहा है, ये री
वो भी बड़ी या छोटी, जैसे भी आप बनाना चाहो, दोनों ही सही है। इन दोनों की जगह एक दीर्घ एकादेश हो रहा है, या तो बड़ी री या छोटी री। पीछे क्या बचा हुआ है अब? कार। तो आप इसे या तो रिकार भी बोल सकते हैं, या इसे दीर्घ री में रिकार भी बोल सकते हैं, दोनों ही शुद्ध है। एक और उदाहरण देखते हैं, पितृ प्लस ऋणम। अब यहां पर देखते हैं त में क्या मिली हुई है? री। अंतिम वर्ण है री, इधर भी प्रथम वर्ण देखिए री है, री के बाद में री, दोनों समान आ रही है, समान वर्ण है पीछे री के बाद में। तो अब इन दोनों का दीर्घ एकादेश होकर के बड़ी री बन जाएगी, और ये बड़ी री बनने के बाद में पद बनेगा क्योंकि यहां पर ऋणम में से री निकल गया और पितृ में से री निकल गई। तो पितृ हलंत में दोनों री के स्थान पर री आ गई और यहां पर ऋणम बचा, तो ये मिलाकर के लिखने पर पितृणम। बड़ी री की मात्रा डबल री में आती है, पितृणम ये रूप बना, नोट कर लीजिए इसे।